हेलो दोस्तों नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों एक बात कही जाती है कि ईपीएफओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स को कितना पेंशन देना चाहिए, ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स को कितनी पेंशन की राशि मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह खबर सामने आ रही है, सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस बात को कहा जा रहा है कि जिनका जितना योगदान है उन्हें उतनी ही पेंशन की राशि मिलेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ईपीएफओ को यह सूचना जारी कर दिया गया है कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स जो हैं उन्हें जिसको भी जितना योगदान जिनने किया है उनको उतना पेंशन की राशि मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि एक यूट्यूब चैनल को मैं देख रहा था, उन यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बात को कहा गया है और इस बात में कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं लिखित में या ईपीएफओ के किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे या ईपीएफओ के ट्विटर हैंडल पे या ईपीएफओ के माध्यम से ऐसा जानकारी नहीं मिली है और ना ही अभी तक मैं कोई दूसरे भी मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की कोई जानकारी मिली है जहाँ पर इस बात की पुष्टि की जा रही हो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ईपीएफओ को ऐसा आदेश दिया गया हो कि जो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन उनके योगदान के अनुसार हो। हालांकि ये बात सुनने में आ रही थी कि उनके योगदान के अनुसार ही ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी, लेकिन यह कतई नहीं था, ऐसा कोई जानकारी नहीं थी कि ईपीएफओ को ऐसा आदेश मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है जो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स के पक्ष में भी हो सकता है और हो सकता है कि तारीख में भी बदलाव हो सकता है, अगली हेयरिंग मिल जाए उन्हें, अगली तारीख मिल जाए। इसमें कोई संदेह यह भी नहीं है कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि, मिनिमम जो उनका न्यूनतम पेंशन में वृद्धि वो कितनी होगी, क्या 7500 रुपये होगी या योगदान के अनुसार होगी या कौन सा फार्मूला तय किया जाएगा। क्योंकि जब तक इसका एक पुष्टिकरण डाटा सामने नहीं निकल के आ जाता तब तक इस पर ठोस कदम या कुल मिला के सही जानकारी आप तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि मैं आपको बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी दी है, यह जानकारी दी है, ईपीएफओ ने यह जानकारी दी है, जानकारी दी है, लेकिन यह है कि यह मैं जानकारी आपको बता दूं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहां पे अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है, मेरे वीडियो को काफी ज्यादा आप लोग शेयर करते हैं और मेरे चैनल को काफी ज्यादा आप सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि अगर मैं देखता हूं ना जो लोग इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं उनके वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आते हैं, लेकिन मैं अगर सही वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे वीडियो पे व्यू नहीं आएंगे, आप लोग मेरे वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे, आप बोलेंगे इनका तो रोज का नाटक है, कौन सी नई जानकारी दी है, कौन सी सही खबर दी है, ऐसा तो नहीं किए। लेकिन मेरा आशा और उम्मीद मैं यही करता हूँ, मुझे पूरी तरह से विश्वास है, भरोसा भी है कि अगर मैं सही जानकारी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता रहूँ, सही जानकारी आपको मैं देता हूँ तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार से मेरे साथ बना रहेगा। बाकी दोस्तों आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचाऊँगा ऐसा मैं पूरी तरह से मतलब ये हूँ और आप लोग भी हमें अपना सपोर्ट करें, समर्थन करें, आप लोग भी अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हों तो वीडियो को शेयर कर दे ताकि यह जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग आशा और उम्मीद लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो और बातें हो रही हैं, काम और जो हो रहे हैं तो होते ही रहेंगे, लेकिन फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ रहा है अभी तक, जब तक नहीं आएगा तब तक इस कोई भी डिसीजन पर पहुंचा नहीं जा सकता है। बाकी दोस्तों आपको यह जानकारी और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।